हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम एकदम आसान तरीके से सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी हो जाए ऐसा प्रोटीन और विटामिन से भरपूर एकदम टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। जो लोग डाइट कर रहे हैं वो भी अपने डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं, और जिनको डायबिटिक है उनके लिए भी ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है। आप इसे डिनर में भी बना के हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल और मिक्स वेजिटेबल का सिर्फ 2 बूंद तेल में एकदम टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। 1 कप पीली मूंग दाल को 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लिया और 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा है। आप चाहे तो छिलटे वाली मूंग दाल आती है वो भी ले सकते हैं। इसका हम पानी निकाल लेंगे और एक बार इसे पानी से धो लेंगे। मूंग दाल को मिक्सर जार में डाल देंगे। 3 हरी मिर्च ली है, ये हम तोड़ के डालेंगे। मैंने थोड़ी कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है, इसके लिए मैं 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे चॉप करके डालेंगे। 1/4 कप पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे स्मूथली ग्राइंड करेंगे। मूंग दाल को एकदम स्मूथ ग्राइंड कर दिया है, इसे बाउल में निकाल लेंगे। मिक्सर जार में 2 टेबलस्पून पानी डाल के ले लिया है, ये डाल देंगे। इसे विस्कर से अच्छे से चला के फेंटेंगे। बैटर को 3 मिनट के लिए एकदम अच्छे से फेंट लिया है। बैटर एकदम लाइट और फ्लफी हो जाए तब तक इसे फेंटना है। 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। दही के ऊपर 1 पिंच सोडा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छे से चला के मिक्स करेंगे। 3/4 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 मीडियम साइज की गाजर को कद्दूकस किया है। 6 से 7 पालक के पत्ते को बारीक चॉप किया है। 1 मीडियम साइज का टमाटर जिसका बीज निकाल के बारीक चॉप किया है, और 1 मीडियम साइज का प्याज, इसे भी बारीक चॉप करके लिया है। सब्जियां अंदर डाल देंगे। पालक के बदले में आप मेथी के पत्ते भी डाल सकते हैं और हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं बारीक काट के। अच्छे से चला के मिक्स करेंगे। इसमें हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले हैं और मूंग दाल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें से बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, वेजिटेबल में से बहुत सारी मात्रा में विटामिन्स मिल जाएगा, तो ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है। जो लोग डाइट करते हैं इसके लिए ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, और जिनको डायबिटिक है वो भी ये नाश्ता आसानी से खा सकते हैं। 1 पिंच हींग डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। 1 छोटी फ्राई पैन ली है, इसमें हम नाश्ता बनाएंगे। फ्राई पैन को तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, पैन को सिर्फ तेल से ग्रीस ही करना है। इसमें थोड़े से वाइट तेल डालेंगे, बैटर डालेंगे। दो लेडल फुल बैटर मैंने डाला है। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए कुक किया है, और आप देख सकते हैं ऊपर से एकदम ड्राई हो गया है। ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, इस तरह से ब्रश से तेल लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगेगा। ऊपर थोड़े से तेल डालेंगे। बैटर हमने डाला उस टाइम पे भी आप तेल डाल सकते हैं। पलट लेंगे, इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे हमें कुक करना है, बाद में इसे टर्न कर लेना है। ढक्कन लगा के और 2 से 3 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। धीमी आंच पे 3 मिनट के लिए कुक किया है, देख लेते हैं कुक हुआ है कि नहीं, नाइफ डाल के देख लेंगे। आप देख सकते हैं नाइफ एकदम क्लीन है, तो नाश्ता एकदम अच्छे से कुक हो गया है। नीचे से भी ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी का नाश्ता भी बना लेंगे। पैन को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, तेल डालेंगे, बैटर को अच्छे से चला लेना है, फिर पैन में डालना है। ऊपर थोड़ा तेल डाल देंगे। इसे भी ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए कुक करेंगे।
मूंग दाल और मिक्स वेजिटेबल का एकदम हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बन के रेडी हो गया है। मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।